आज मैं हरियाणा आईटीआई का फार्म न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं, जो कि ऑनलाइन एडमिशन 2022 और 2023 है। मेरी वीडियो को कंप्लीट देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इस फार्म की लास्ट डेट बता देता हूं, 21/6/2023 इस फार्म की लास्ट डेट है। जो भी अपना आईटीआई में भाई एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे। और आज मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें +2 या 10th पास है जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे अपना बोर्ड सिलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 10th या +2 पास की है। यहाँ पे छात्र का नाम, पूरा नाम, और यहाँ पे बोर्ड या डिप्लोमा रोल नंबर, और उसके बाद किस वर्ष उत्तीर्ण किया है, किस वर्ष आपने पास किया है वो डालना है यहाँ पे। और उसके बाद डाटा प्राप्त करें। उसके बाद में मेरा सारा डाटा आ चुका है। यहाँ पे मेल रहने देता हूँ, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और मेरी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। और उसके बाद में हम ओटीपी पाए, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं सहमत हूँ, ओटीपी पाए, ओटीपी आ चुका है मेरे मोबाइल नंबर पे। अब जो मैंने सेव किया था ओटीपी डाल के, तो मेरे जीमेल पे एक मैसेज गया था, जिसमें कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में पासवर्ड दिया है। वहाँ वो आप एक कागज़ पे लिख लें, और उसके बाद में यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और वो पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे, और ये जो कैप्चर कोड है ये भी हम यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद साइन इन कर देंगे। जैसे मैंने पासवर्ड डाला, तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पे राष्ट्र पूछ रहा है कि हमारा कौन सा है, हरियाणा है। और यहाँ पे क्या आप हरियाणा के निवासी है, हाँ। और उसके बाद में आधार नंबर या फैमिली आईडी, तो हम आधार नंबर ही सिलेक्ट करते हैं, और अपना यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं, और उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेंबर आईडी आई है, और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट किया, तब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे लिख रखा है कि आप क्या अनाथ हो, आपके माता पिता, माता या पिता की डेथ हो चुकी है, तो आपको यस करना है वरना नो करना है। इसके 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आर यू अर्बन, और सॉरी, ये जो उपरला है महिलाओं के लिए है। यदि कोई महिला की पति की डेथ हो चुकी है, तो आपको यस करना है वरना नो करना है। और निचले ये अनाथ वाला ऑप्शन है, आपके माता या पिता की डेथ हो चुकी है, तो आपको यस करना है। और नीचे आपको जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो सीटें अलाउड होती है, आप ग्राम पंचायत की तरफ से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यस करना वरना नो करना है। यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ, और अभी ने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरी प्रोफाइल है वो सक्सेस हो चुकी है। उसके बाद में 10th और +2 फोटो और सिग्नेचर, इन चारों की जो है ये हमें अपलोड करनी है फाइल, मतलब फोटो अपलोड करनी है। फोटो की क्वालिटी 300 KB होनी चाहिए 10th और +2 की, और जो फोटो की है वो 100 KB से नीचे होनी चाहिए, और साइन की भी 100 KB से नीचे होनी चाहिए। बाद में आपको सिग्नेचर, जैसे कि मैंने बता दिया है, चारों की जो है फोटो अपलोड करनी है। जैसे गेट है, मार्कशीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चॉइस से फाइल, यहाँ पे मुझे 10th की फोटो अपलोड करनी है। तो ये हो चुकी है अपलोड, 300 KB से कम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं +2 की भी अपलोड कर देता हूँ, ये भी हो चुकी है। और यहाँ पे फोटो अपलोड कर देता हूँ मैं, तो ये फोटो भी अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पे सिग्नेचर,
ये सिग्नेचर शायद 100 MB से बड़ा है, सॉरी 100 KB से बड़ा है। मैं इसे छोटा करके उसके बाद से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में मैं सेव और नेक्स्ट कर दूँगा। सॉरी एक बार मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। चारों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे जिला, आईटीआई का नाम, ये आईटीआई के प्रकार, ये देख लीजिए आप गवर्नमेंट करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं, और बथ में दोनों आईटी आ जाएगी। और यहाँ पे आईटीआई का नाम, आईटीआई की ट्रेड, और यहाँ पे सेक्शन। यहाँ पे जिला का नाम डालते ही आपकी जो गवर्नमेंट आईटी करते ही और आपकी जो जितने भी जिले के अंदर आईटी है वहाँ पे सारे नाम आ जाएंगे आईटी के। और यहाँ पे आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है। चलो मैं एक बार उठा लेता हूँ डाटा। और यहाँ पे जो ऑप्शन था वो SCVT या NCVT है। आप NCVT ट्रेड हो तो NCVT लेना, क्योंकि SCVT ओनली हरियाणा में है और NCVT है वो पूरे भारत के अंदर है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने केवल एक ट्रेड चुनी है। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको ऊपर या नीचे रखना है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैं सेव एंड नेक्स्ट पे। यहाँ पे बता रहा है कि आप श्योर है इस ट्रेड के लिए, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये जो मेरा बिल है वो आ चुका है। आपका फार्म है जो कंप्लीट हो चुका है, और आप अपने जो फार्म के साथ अपनी फीस कटा सकते हैं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? थैंक यू। आपको फीस कटाते ही आपके सामने जो फार्म की फुल डिटेल है वो प्रिंट होके आ जाएगी। थैंक यू।